बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? आज की हमारी जो वीडियो है वो खांसी का खात्मा करने के लिए है। आपकी खांसी जितनी भी पुरानी होगी, आपने खांसी को ख़त्म करने के लिए बहुत सी मेडिसिन का यूज़ किया है, फिर भी आपकी खांसी ख़त्म नहीं हो रही का मैं बताने जा रही हूँ। इसके एक बार ही यूज़ करने से आप जान जाएंगे कि आपको कितना फ़र्क महसूस हुआ है। इससे पहले कि मैं आपके साथ खांसी का इलाज शेयर करूं, जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर यस कर दें। बेल आइकन पर यस करने का मतलब ये है कि हमारी जो भी न्यू वीडियो अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। व्यूवर्स चलते हैं वीडियो की तरफ। खांसी के इलाज के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके घर के किचन में इजीली मिल जाएगी। प्लीज नोट कर लें, अदरक का रस एक चाय का चम्मच, उसके बाद शहद एक चाय का चम्मच, फिर काली मिर्च इसकी दो चुटकियां आपने लेनी है। विवस अदरक को पीसकर इसका रस निकाल लें और इसका एक चम्मच खाली बोल में ऐड करें। विवस आपने इसको बनाना किस तरह है, अदरक को पीसकर इसका रस निकाल लें और इसका एक चम्मच लेकर इसको खाली बोल में ऐड करें। दूसरी चीज जो आपने लेनी है वो है शहद, इसका भी एक ही चम्मच आपने लेना है। और लास्ट में आपने जो चीज़ डालनी है वो है काली मिर्च। आपने काली मिर्च लेकर इसको पीसकर इसका पाउडर बना लेना है, इसकी दो चुटकियां आपने इसमें ऐड करनी। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। वेवर्स जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनका यूज़ करोगे तो 100% आपकी खांसी ख़त्म होगी। वेवर्स इस नुस्खे को मैंने खुद यूज़ किया है और मुझे इस नुस्खे के यूज़ करने से खांसी का बहुत फ़र्क महसूस हुआ है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।